the query text. Here you see by looking at the title, text which looks like blur, but it is a name of one game. लेकिन एक book का नाम है, so it is similar. ये similar होती है. It's so we use similar word with friends. Now, कभी कभी sometimes you are very disturbed. हमेशा disturbed हो जाते हैं. For example, कोई आप पूछता है कैची पहनी है, तो आप क्या कहोगे? Serious is sharp. This is wrong answer. Serious or sharp, mostly C. जिसमें दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, जैसे बोरन क्रॉस हो गया, आपका पैंस हो गया, है इसमें दो टांग हो गई, टोंग हो गए, ग्लासेस हो गए, कंपासेस हो गए. सो दे लुक लाइक ए सिंगुलर बट दे आर ऑलवेज यूज इन प्योर फॉर्म. जैसे कि कंपास आर यूज इन मैथमेटिक्स. हिस्ट्रॉजस ट्राउजर एक चीज होती है, बट यू विल यूज प्योर वर्ब. तो आर लगाओगे, आर कोष्ठी तीन 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 होते हैं. नाउ क्लोज रूल नंबर 9 6 1 सम नाउन्स अपीयर टू बी प्योरल. कुछ नाम होते हैं वो प्योर दिखाई पड़ते हैं, जैसे सम नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स डिजीजेज ईटीसी बट दे आर सिमिलर एंड टेक ए सिमिलर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स टीएच फिजिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट. आई थिंक यू फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सीबीएस लगता है बट इट इज अ सिमिलर सब्जेक्ट. अदर एग्जाम्पल्स इज पॉलिटिक्स इज नॉट मीट फॉर एवरी वन दी न्यूज हैज बीन रिवाइव टूडे दी फर्स्ट इनिंग ऑफ दी मैच इनिंग्स में एस आता है सामने का सिंगल होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी योर सेकंड पॉइंट व्हेन द सब्जेक्ट इज वन ऑफ. अगर वन ऑफ आता है फॉलोड बाय प्लूरल नाउन फॉलोड होता है तो सच वन ऑफ द टीचर्स इट इज ऑलवेज यूज्ड और विद दिस सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर वर्ब. जैसे वन ऑफ द टीचर्स वन ऑफ द टीचर्स टीचिंग मैथ. हियर यू सी द वर्ब टीचिंग ईएस लगाऊंगा सिंगुलर वर्ब होगी, अगर ईएस नहीं लगता प्लूरल होगी तो इट इज कनेक्टेड विद टेस्ट फ्रेंड के साथ में है ये सब्जेक्ट से नहीं इसका कोई भी संपर्क होता है. एंड योर नेक्स्ट पॉइंट विल बी पॉइंट नंबर 8 इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय आइदर इस तरीके से होते आई आई टी एच या आइदर और नाइदर और नाइदर नॉट होता है नन ऑफ देम उनमें से एक भी नहीं. तो व्हेनेवर टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स आर कनेक्टेड बाय दिस आइदर और नाइदर नॉट जोड़े जाते हैं तो वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट. जैसे कि आइदर either he or his friends are moving it. And other sentence will be like neither neither his friends or nor he is doing it. So look at the prayer. You will see that we get two subject, one is singular and the other is plural. His friend plural हो गया, his singular हो गया. इधर his friend plural हो गया, his singular हो गया. तो the verb agree with the subject nearest to ये दूर पड़ जाते हैं पास होता है. तो verb इससे लगा हुआ आप ये his से लगा हुआ his. Understand? Now next point we will be point number 9. Okay.
एक कलेक्टेड नाउन फ्रेज से सिंगुलर वर्ब, जिसमें कलेक्टेड नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होते हैं, मैन डॉग और बस। एक बैंड था उसका ओवर का वर्क कर लिया गया, तो ये सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। नाउ डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू 9 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। यू विल नोट डाउन दिस पॉइंट एज अ होमवर्क बाय लिसनिंग माय स्पीच फ्रॉम द वीडियो इन फुल। दैट्स ऑल।